नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HJ News। नमस्कार जी दोस्तों, अगर आप भी है टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन तो ये वीडियो लाइक कीजिए। भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के मुकाबले में पांचवें वनडे मुकाबले में टीम इंडिया टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। यह मैच वेलिंगटन के वेस्ट पैक स्टेडियम में खेला जा रहा है। जी दोस्तों, बात करें भारत यह सीरीज पहले ही जीत चुका है और 3-1 से आगे चल रहा है। भारत ने सीरीज का पहला मैच 8 विकेट से अपने नाम किया था, जबकि दूसरा मैच 90 रन के जीत हासिल करने में कामयाब रही। तीसरे मैच में 7 विकेट से जीत हासिल की थी। चौथे मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। और अगर हम बात करें आज की मैच पांचवी मैच की, तो यह मैच कौन जीत सकता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज पांचवी मैच की बात करें तो रोहित शर्मा सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए और उसके बाद शिखर धवन भी 6 रन बनाकर आउट हो गए। और इसके बाद भारत काफी मुश्किल में पड़ गया था, क्योंकि शुभमन गिल भी 7 रन बनाकर आउट हो गए। फिर अंबाजी रायडू ने 90 रन बनाकर टीम इंडिया को एक हौसला दिया और साथ ही साथ धोनी अपना 1 रन बनाकर आउट हो गए। अंबाजी रायडू के साथ विजय शंकर ने 45 रन बनाकर काफ़ी अच्छी साझेदारी की। वही साथ ही केदार जाधव 34 रन बनाकर आउट है और लास्ट में हार्दिक पांड्या ने जो 5-6 छक्के लगाकर 45 रन बनाकर और टीम इंडिया का स्कोर बहुत बड़ा कर दिया। भारत ने इस मैच के लिए 3 बदलाव किए। दिनेश कार्तिक की जगह महेंद्र सिंह धोनी की वापसी हुई, वही खलील अहमद की जगह मोहम्मद शमी की और साथ ही कुलदीप यादव के स्थान पर विजय शंकर को मौका मिला है। जहां दोस्तों, अगर हम देखते हैं कि फील्डिंग में ये 3 खिलाड़ी क्या कर सकते हैं। और जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया 252 रन बनाकर ऑल आउट हो चुकी है। और ये मैच न्यूजीलैंड को जीतना है तो 253 रन बनाना होगा। और जी हाँ दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि ये मैच कौन जीत सकता है। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ News।